इसके बाद फैजल खान भी गायब होगा और फिर दहशत माली आएगा, और इसके लिए प्रॉपर मुझे एक महीना चाहिए जिसमें ये मोबाइल वोबाइल ये वो सब बिल्कुल फेंक दूंगा और एक महीना जाके कहीं पहाड़ वहाड़ में रहना शुरू कर दूंगा, क्योंकि कैरेक्टर बिना इस प्रिपरेशन के तैयार नहीं हो सकता। नवाज इज़ अ ब्रिलियंट एक्टर, मेहनत करने के लिए तैयार है। उनके परफॉर्मेंसेज देखे मैंने और बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंसेज रहे हैं, और ये एक ऐसा रोल है जिसके लिए सही कास्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी था। इंटेंसिटी जो है इस कैरेक्टर में, जो पैशन है इस कैरेक्टर का, मुझे लगता है कि नवाज इज़ द राइट मैन टू डू इट। देखिए, हर रोल की अपनी एक डिमांड होती है कि मुझे इस तरीके से किया जाए। अब जैसे दशरथ मांझी का कैरेक्टर है, आपको जब मैं किसी को रियल स्टोरीज की बता रहा था दशरथ मांझी की, तो वो उसको यकीन ही नहीं हुआ कि ये रियल लाइफ में हो सकता है। अपने प्यार के चक्कर में 22 साल लगा दे, सिर्फ एक छोटी सी छीनी और हथौड़ा लेके 22 साल में बहुत बड़ा पहाड़ तोड़ा। इट्स अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। मैंने एक फिल्म बनाई थी रंगरसिया आज से 3 साल पहले, जो किसी वजह से रिलीज़ नहीं हो पाई थी, जो फाइनली रिलीज होने की तैयारी पे। एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट स्टूडियो शुरू किया है माया, तो उसके अंदर भी थोड़ा बिजी हो गए थे। मेरे लिए फिल्म सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं है, एक वे ऑफ लाइफ, मतलब फैक्ट इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। देखिए, जो मैं ये रोल कर रहा हूँ, ये मेरे ख्याल से वर्ल्ड में किसी भी एक्टर का ड्रीम हो सकता है ये ऐसा कैरेक्टर। और दूसरे ऊपर से कैतन सर हैं जिनकी फिल्में देख के मैं बड़ा हुआ हूँ, मतलब मेरे लिए तो दो सरप्राइज है अगर देखा जाए तो, एक ऐसा कैरेक्टर और दूसरा कैतन सर। ऐसी कहानियाँ जो कि सारी दुनिया को देखनी चाहिए, ऐसी कहानियाँ भी ढूंढना ज़रूरी हो जाता है मेरे लिए। रियल लाइफ स्टोरी है। आई थिंक इट्स द मोस्ट फैसिनेटिंग कैरेक्टर दैट आई हैव कम अक्रॉस इन माय लाइफ। आई थिंक इट्स द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टोरी टू टेल। सिर्फ नवाज के लिए नहीं, मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक